स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का। रेलवे डिपार्टमेंटल GDC LDC और JEE PWA के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर के टॉप 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चंस, रियल डॉली सेल नॉट वर्क वेयर ग्रेडियंट इज स्टीपर देन। कितना ग्रेडियंट होने से रियल डॉली नहीं चलाया जाता है या फिर काम नहीं करेगा। इसके चार ऑप्शंस हैं और राइट आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 in 200 ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक खंड में एक से अधिक ट्रैक मशीन चल रही हो तो दो इकाइयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना मीटर होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एलसी गेटमैन की चिकित्सा श्रेणी कितनी होती है। मेडिकल कैटेगरी ऑफ एलसी गेटमैन इज ऑप्शन नंबर ABCD में से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A3 कैटेगरी होना चाहिए मेडिकल का। क्वेश्चन नंबर 4, बीजी लाइन में मैनुअल रूप से डीप स्क्रीनिंग के बाद चौथे दिन स्पीड रिस्ट्रिक्शन अर्थात स्पीड की गति कितना प्रतिबंधित होना चाहिए। चार ऑप्शंस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 5, ए रूट घुमावदार ट्रैक में रेल नवीनीकरण अर्थात रेल रिन्यूअल के लिए पार्श्व वियर की लिमिट कितनी होनी चाहिए। कर्व ट्रैक की लेटरल वियर कितनी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, टेंसर द्वारा डिस्ट्रेसिंग किया जाता है जब तापमान प्रचलित होता है। कितना तापमान होने से टेंसर के द्वारा डिस्ट्रेसिंग किया जा सकता है। टेंसर एक प्रकार का मशीन होता है, हाइड्रोलिक मशीन, जिसके द्वारा रेल को डिस्ट्रेसिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, less than TD। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम विथ ऑफ सिस इन फॉर्मेशन, मतलब न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है शेष की। जब शेष बनाया जाता है तो उसका न्यूनतम चौड़ाई कितना से कितना मिलीमीटर तक होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 900 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रॉड गेज में डायनामिक गेज की चौड़ाई कितनी होती है। डायनामिक गेज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1750 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, कर्व लेवल क्रॉसिंग या स्क्यू लेवल क्रॉसिंग में क्रॉसिंग का कोण कितना डिग्री से कम नहीं होना चाहिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, डेटोनेटर के परीक्षण के लिए सुरक्षा त्रिज्या कितना मीटर होता है? सेफ्टी रेडियस एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स इज, फोर ऑप्शन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। इसके बाद वीडियो के लास्ट में प्रीवियस वीडियो का क्विज, पीआरसी पीएससी स्टैंड फॉर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन करके जवाब दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो आज का देख लेते हैं, आज का क्विज ऑफ द डे क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। RITES स्टैंड फॉर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म बताना है RITES का, चार ऑप्शंस है और आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जो भी राइट आंसर होगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके और भी बहुत सारी जानकारियाँ और वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों का।